बच्चों आज तुम्हें पोएम बताई जाएगी। तुम्हारी पोएम है फाइव ए कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये सर हेनरी वूटन ने लिखी है। हेनरी वूटन का जन्म 1568 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1639 में हुई थी। इन्होंने इस टाइटल से ये कविता लिखी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति का करेक्टर कैसा होता है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति कैसे चरित्र वाला होना चाहिए, वो इस कविता में इन्होंने उसके गुण बताए हैं। पहले तो कवि के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, अबाउट द पोएट सर हेनरी वूटन, ए फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी। वाई वॉर्ड इन 1568 सर हेनरी वूटन जो एक प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक थे 17वीं शताब्दी के, उनका जन्म 1568 में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट विनचेस्टर एंड एंटर्ड द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द वार। ही वॉज एजुकेटेड एट विनचेस्टर, विनचेस्टर में ये शिक्षित हुए और वकालत के अभ्यास के लिए इन्होंने मिडिल टेम्पल में प्रवेश किया वकालत की पढ़ाई के लिए। ही वॉज नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो डिप्लोमेट। सर हेनरी वूटन केवल कवि ही नहीं थे, ये डिप्लोमेट भी थे और कई डिप्लोमेटिक मिशन पर ये गए। सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसी, इसलिए इन्हें अर्ल ऑफ एसी का अभिकर्ता और सचिव नियुक्त किया गया। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वेनिस के दरबार के राजदूत रहे। ही वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस। इन्हें विभिन्न, जैसा कि मैंने बताया, डिप्लोमेटिक मिशंस पर भेजा गया 1624 तक। जॉन डॉने एंड रियाद वाल्टन फेमस राइटर्स ऑफ द टाइम वी आर हिज नोटेबल फ्रेंड्स। ये जो है जॉन डॉने और रियाद वाल्टन, उनके समय के उल्लेखनीय मित्र हैं उनकी। हिज फेमस राइटिंग्स आर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें से कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। ये इनकी कुछ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। अब अबाउट द पोएम, कविता के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर मैं कब का पढ़ाऊंगा आपको। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वूटन द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्ड बाई ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट। सर हेनरी वूटन के अनुसार एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, ये सच्ची स्वतंत्रता कायदी विचार इस पर आधार, विचारों की सच्ची स्वतंत्रता पर आधारित होता है। राइटनेस, ऑनेस्टी, ट्रेथ, सिंप्लिसिटी, फेथ, केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, ये इन पर आधारित होता है। ये सब ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जीलसी, हमेशा वो ईर्षा से दूर रहता है। इलविल बुरी भावनानी का भी उसकी रहती है। एंड वर्ल्डली एनिमिटीज और सांसारिक चाहे की उसे इच्छाएं नहीं रहती कि ये प्राप्त कर रहे हम ये प्राप्त कर रहे। ही प्रेज टू गॉड डेली, प्रसन्न व्यक्ति होता है जो ईश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना करता है। ही एनवीज नन, वह किसी से बुराई नहीं रखता है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक और ए गुड फ्रेंड, वह अपना समय अच्छी पुस्तकों के पढ़ने में और अच्छे मित्रों से वार्तालाप करने में व्यतीत करता है। ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, स्वयं का ईश्वर, एंड मास्टर ऑफ ऑल, और सभी का मास्टर। ही सर्वेज, ही मे बी पुअर बट मोरली, बट मोरलिटी ही इज ऑलवेज ग्रेट।
वो गरीब हो सकता है आर्थिक रूप से, लेकिन नैतिक रूप से वो हमेशा महान होगा, क्योंकि उसका जो मोरल कैरेक्टर है वो हाई रहता है। क्यों? कि उसके अंदर ऐसे गुण हैं जो कभी उसे नीचा नहीं दिखाते। अब कविता आती है तुम्हारी, तो सर हैनी मुटन कहते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और थॉट, हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न है ही वह, किससे, बॉर्न और टॉट, बॉर्न का मतलब जन्म और टॉट का मतलब शिक्षा से, जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कौन सा व्यक्ति, दैट सर्व नॉट इन अदर्स विल्स, दैट माने जो, सर्व माने सेवा करता है, नॉट माने नहीं, इन अदर्स माने दूसरों की विल माने इच्छा के अनुसार, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता। हुज आर्मर, आर्मर माने होता है सुरक्षा कवच, हुज माने जिसका, आर्मर माने सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार है। एक प्रसन्न व्यक्ति के का सुरक्षा कवच क्या है, उसके ईमानदार विचार, ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रस्ट, और सरल सच्चाई, इज हिज अटमोस्ट स्किल, सरल सच्चाई ही उसकी अटमोस्ट माने सर्वोत्तम स्किल माने बुद्धि है, सरल सच्चाई ही उसकी सर्वोत्तम बुद्धि है। नेक्स्ट स्टेज आता है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैशंस जिसकी भावनाएं नॉट हिज मास्टर्स आर उसकी मालिक नहीं है, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ जिसकी आत्मा अभी तुरंत मरने को तैयार है, अनटाइड टू द वर्ल्ड विद केयर जिसे सांसारिक बंधनों की चिंता नहीं है, अनटाइड टू द वर्ल्ड विद केयर और प्रिंसली लव और वल्गर भी, न उसे राजाओं के प्रेम की परवाह है और न उसे सामान्य जन की आलोचना की परवाह है, वल्गर भी माने सामान्य जन की आलोचना, प्रिंसली लव माने राजाओं के प्रेम की, बड़े लोगों के, संपन्न लोगों की, हु है हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री, हु है जो रखता है हिज लाइफ अपना जीवन फ्रॉम रूमर्स माने अफवाहों से, फ्री माने मुक्त, जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है वो प्रसन्न व्यक्ति है, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रीड्रीम, हुज माने जिसकी कंसाइंस माने अंतरात्मा, इज माने है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रीड्रीम माने शरण स्थली, उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली है, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फील, हुज माने जिसकी स्टेट माने स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर फील, चापलूसों से प्रभावित नहीं होती, फ्लैटर माने चापलूस, फ्लैटरी माने चापलूसी, जो झूठी प्रशंसा करते हैं लोग उनसे वो प्रभावित नहीं होता है, कौन, हैप्पी मैन जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है वो, नॉट रिव मेक ऑपरेशन ग्रेट और ना ही उसका दमन कर विनाश, दमन करने वालों को महान बनाता है, ना ही उसका विनाश, रिव माने विनाश, मेक ऑपरेशन माने दमन करने वालों को ग्रेट माने महान बनाता है, हु एनवीज नन, हु माने जो, एनवीज माने ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से नहीं, हुम चांस डे जिसने संयोग से भी प्रगति की है, वो प्रगति करने वालों से ईर्षा नहीं रखता, ऐसा हैप्पी मैन, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, ना वो कभी बुराई करता है और वो कभी किसी की ऐसी स्थिति समझता नहीं, हाउ डी दाउंड आर गिवेन विद प्रेम, कितने गहरे घाव, हाउ माने कितने डीप सुपरलेटिव डिग्री है, डीप डीपर डीपर, बाउंड माने घाव, आर गिवेन माने दिए गए हैं, विद प्रेम माने प्रशंसा, उसे झूठी प्रशंसा पसंद नहीं है, और झूठी प्रशंसा किसी व्यक्ति की करो वो व्यक्ति पतन के गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी झूठी प्रशंसा की जाए तो प्रशंसा को क्या कहता है, हाउ डी पेयर्स बाउंस आर गिवेन, कितने गहरे घाव दिए गए हैं, प्रेज नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं है बट रूल्स ऑफ गुड, यदि उसे चिंता है तो भाई भी रूल्स ऑफ गुड अच्छाई के नियमों की चिंता है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट स्टैंड है तुम्हारा, हु गॉड डज
लेट एंड अर्ली प्री, हु माने जो, गॉड माने ईश्वर की, जज माने करता है, लेट माने शाम की एंड अर्ली माने सुबह की, प्री माने प्रार्थना। जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए शाम और सुबह की प्रार्थना करता है ऐसा व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति होता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, वो कृपा प्राप्त के लिए उसको ये भूमि उपहार से ज्यादा है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो नुकसान रहित दिन व्यतीत करता है अपना मनोरंजन के साथ व्यतीत करता है। विद ए वेल चूजिंग बुक और फ्रेंड, किसके साथ व्यतीत करता है? वेल चूजिंग बुक, अच्छी तरह चयनित पुस्तकों और फ्रेंड मित्रों के साथ। नेक्स्ट स्टेंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल, दिस मैन माने यह व्यक्ति इज फ्री, स्वतंत्र है फ्रॉम सर्वाइव एंड दासता के बंधनों से, और होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो उसे उत्थान की आशा है और फियर टू फॉल ना पतन का भय है उसे। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का माल ईश्वर है, दो लॉर्ड ऑफ ब्लैंड, यद्यपि इस भूमि का नहीं, एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। इस आखिरी लाइन में तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन, विरोधाभासी अलंकार, कि कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो ये लास्ट लाइन में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है कवि सर हेनरी वूटन ने। तो ये कविता तुम्हारी हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका समाप्त होता है, और जो मुख्य चैप्टर है उनका इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में कल बता दूंगा। थैंक यू बॉयज।